नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आप से जुड़े हो। अक्सर खबरों के शोर में हमारा और आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। ग्रहण को लेकर हमारे समाज में जिज्ञासा और कौतूहल दोनों हैं, और जिज्ञासा उस वक्त और ज्यादा बढ़ जाती है जब 15 दिन के अंदर दो ग्रहण लग रहे हों। जी हाँ, 20 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा और इसके ठीक 15 दिन बाद साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यानी फिर से दुनिया के कई हिस्सों में लोग रोमांच के इन पलों के गवाह बनेंगे। इस खगोलीय घटना में विज्ञान से लेकर ज्योतिषियों की पूरी दिलचस्पी रहती है और धार्मिक नजरिए से ये एक बड़ा दिन भी होगा। क्या है चंद्र ग्रहण का धार्मिक कनेक्शन और ज्योतिषीय नजरिए से इसका क्या असर हो सकता है, हर पहलू पर हम बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। साल के पहले सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद फिर से एक खगोलीय घटना घटने जा रही है। क्योंकि 5 मई को इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण वैज्ञानिकों के लिए किसी उत्सव की तरह होता है। क्योंकि ये उनके लिए अंतरिक्ष में छिपे रहस्यों को जानने का एक सुनहरा मौका लेकर आता है। और इसी तरह ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता भी चंद्र ग्रहण का बारीकी से अध्ययन कर नई गणनाओं को जन्म देते हैं। यानी चंद्र ग्रहण मात्र एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि इसकी अपनी एक धार्मिक मान्यता भी है। साल का पहला सूर्य ग्रहण वैशाख अमावस्या पर लगा था, वहीं चंद्र ग्रहण वैशाख पूर्णिमा यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन लगेगा। मई की रात 8:45 पर यह चंद्र ग्रहण शुरू होगा और रात 1 बजे खत्म होगा। इसका मतलब ये है कि यह चंद्र ग्रहण 4:15 का होगा। ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। उपछाया चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया सिर्फ एक तरह रहने के चलते ये हर जगह नहीं देखा जा सकेगा। ये चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर में दिखेगा। जब जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उससे जुड़ी तैयारी और उसका विश्लेषण भी शुरू हो जाता है। क्योंकि ये कुदरत का करिश्मा आदिकाल से लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस दौरान कुछ और जानने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 15 दिन के अंदर दो ग्रहण लगने के संकेत क्या हैं? ऐसा बहुत बार हुआ है कि दो ग्रहण के समाप्त होने के साथ एक तीसरा ग्रहण भी आ जाता है, तो जब दो के साथ एक तीसरा ग्रहण आए तब मामला ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ज्यादा नकारात्मक होता है। सामान्यतः एक ग्रहण के अगले 15 दिन के बाद दूसरा ग्रहण अवश्य पड़ता है। हालांकि
साल के पहले सूर्य ग्रहण की तरह ही पहला चंद्र ग्रहण भी भारत में नहीं दिखेगा। इसीलिए क्या सूर्य ग्रहण की तरह चंद्र ग्रहण में भी यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा? देखिए, 5 मई को जो ग्रहण लगने जा रहा है ये उपछाया ग्रहण या प्रच्छाया ग्रहण है, ये संपूर्ण ग्रहण नहीं है। दरअसल इसमें चंद्रमा पर छाया पड़ती है पृथ्वी की, यानी चंद्रमा एक तरह से थोड़ा धुंधला हो जाता है, ब्लर हो जाता है, लेकिन ये ग्रहण जैसा नहीं होता है, ये उपछाया ग्रहण कहा जाता है। चूंकि उपछाया ग्रहण को ग्रहण का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए इसका कोई भी सूतक कहीं भी नहीं लगेगा। जब जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात होती है तो उनके प्रभाव का जिक्र जरूर होता है। ऐसे में जानना जरूरी होता है कि साल के पहले चंद्र ग्रहण का देश और दुनिया पर क्या असर होगा। खास तौर से जो पश्चिमी देश हैं, वहां पर दिक्कतें आने की, जैसे यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, पश्चिम देशों में इस प्रच्छाया ग्रहण से नकारात्मक प्रभाव अगले 15 दिन में दिख सकता है। सदियों से भारत में ग्रहण के वक्त आस्था और भक्ति की परंपरा रही है। ऐसे दिन पर जब तप, दान और ध्यान का विशेष महत्व बताया जाता है, जबकि इस दिन बड़ी संख्या में लोग देश की पवित्र नदियों में डुबकी भी लगाते हैं। ऐसे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि चंद्र ग्रहण पर हम क्या करें और क्या ना करें। ये एक प्रच्छाया की स्थिति है। अब चूंकि प्रच्छाया ग्रहण को ग्रहण का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए इस पर किसी तरह के नियम नहीं हैं, किसी तरह की शर्तें नहीं हैं, किसी तरह की बात नहीं है, तो बहुत चिंता की आवश्यकता भी नहीं है। वैज्ञानिक नजरिए से चंद्र ग्रहण का एक खगोलीय महत्व है। ये एक खगोलीय घटना के तौर पर है, लेकिन ज्योतिषी इसे अलग दृष्टि से देखते हैं और यही वजह है कि लोगों की दिलचस्पी चंद्र ग्रहण की वजह से हमारे जीवन पर पड़ने वाले असर पर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुछ दिन पहले साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण था और अब आने वाला है साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में होंगे, हमारे मन में होंगे, हमारे साथ तमाम खास मेहमान उनसे पूछेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि देश और दुनिया पर इसका असर कितना होगा और ये कितनी बड़ी खगोलीय घटना है, आम लोगों के नजरिए से ये कितना अहम हो जाता है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द रहेगी हमारी आज की चर्चा। इस साल कब कब दिखेगा ग्रहण, इस पर भी हम बात करेंगे और चंद्र ग्रहण का उपछाया कनेक्शन क्या है, ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। बीके त्यागी जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट विज्ञान प्रसार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदिता पांडे जी एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है नंदिता जी आपका। पंडित संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य जेपी सिंह, एस्ट्रोलॉजर हैं हमारे साथ मौजूद है। तो तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, ये जो सवाल जिनका जिक्र हम कर रहे थे कि किस तरीके से इसका असर होगा और आम लोगों के नजरिए से कितना इंपॉर्टेंट है, शुरुआत हम करते हैं, क्योंकि जब हम ग्रहण की बात करते हैं तो विज्ञान और ज्योतिष दोनों नजरिए से दोनों पहलुओं को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि तर्क विज्ञान का और रहता है और ज्योतिष का और रहता है, लेकिन शुरुआत मैं पहले विज्ञान से ही कर लेती हूँ, क्योंकि एक बड़ी खगोलीय घटना होगी। बीके त्यागी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी 15 दिन के अंदर ये दूसरा ग्रहण, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं नहीं, इसमें कोई खास बात नहीं है। जब भी सूर्य ग्रहण होता है उसके बाद जो भी कहीं की पूर्णिमा आती है उसको ग्रहण अक्सर लगता है जी। और कभी कभी ऐसा होता है कि उससे 15 दिन पहले, सूर्य ग्रहण से पहले जो पूर्णिमा आती है उसमें भी चंद्र ग्रहण जो है वो हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि अभी कुछ पिछले साल ही ये सिचुएशन थी जब 3 ग्रहण एक साथ थे। तो ये सर, आपकी आवाज हमें ठीक से नहीं आ रही, मैं वापस लौटूंगी त्यागी जी आपके पास, मैं वापस लौटूंगी। नंदिता जी, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी
ये एक स्वाभाविक सी घटना है, एक नेचुरल घटना है। इससे पहले भी हम बहुत बार ग्रहण को लेकर चर्चा कर चुके हैं और अक्सर साइंस इस मामले को लेकर कहते हैं कि बहुत ही शुभ है, इसको बहुत शुभ माना जाता है। अभी जब हमने सूर्य ग्रहण का जिक्र किया था, भले ही वो भारत में नहीं लगा था, लेकिन सूतक भी भारत में उतना माने नहीं था, लेकिन फिर भी असर होता है, पूरी दुनिया पर असर होता है। ऐसे ही क्या हम चंद्र ग्रहण के रूप को, चंद्र ग्रहण में भी इसको इसी तरीके से देखें? नंदिता जी, नहीं, मेरा मत थोड़ा सा अलग है। मैं इसमें थोड़ा साइंस के साथ जाती हूँ, क्योंकि जब ग्रहण जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि अगर आपको नग्न आंखों से यानी कि नेकेड आई से तो ग्रहण नहीं दिख रहा है, तो उसका असर आप पे नहीं होता। तो जो अभी सूर्य ग्रहण हुआ था, उसमें काफी सारे मत आए हुए थे। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि उसका असर इंडिया में भी हो सकता है और आप करें, क्योंकि ग्रहण तो पड़ ही रहा है। पर ऐसा हमारे शास्त्रों के विधान में नहीं है। शास्त्रों के विधान में है कि जब आपके ऊपर ग्रहण आपको अपनी नग्न अवस्था से दिख रहा है या आपका उसका डायरेक्ट असर आपके ऊपर हो रहा है, तब आप उसका सूतक मानिए या उसमें कहे गए जो भी निवारण है उनको अवश्य करिए। और ज्योतिष शास्त्र या हमारे जो धार्मिक शास्त्रों में ग्रहण को बिल्कुल नेगेटिव या नकारात्मक नहीं माना गया, उसके कई सकारात्मक पहलू हैं और ये इनको मैं बोलती रही हूँ। जैसे कि ग्रहण के टाइम पे अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो स्पिरिचुअल लाइन के लिए बहुत बहुत सुंदर समय है। आप इस समय बहुत अच्छे से अपने को स्पिरिचुअली एक्टिवेट कर सकते हैं। कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत अच्छा समय है। रुद्राक्ष आप धारण करें समय, इस समय को भी यंत्र मंत्र तंत्र जो भी आप अपनी मालाएं जपते हैं उनको सिद्ध करने के लिए बहुत अच्छा समय है। दान करने का बहुत उत्तम समय है। तो दान, इन सारी चीजों को जो आप करते हैं उससे उसका आपको जो असर मिलता है या रिजल्ट्स मिलते हैं वो कई गुणा फल मिलते हैं जो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी डे में करते हैं। तो आप इसको बिल्कुल नकारात्मक है तो ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में नकारात्मक और सकारात्मक यानी कि एक सिक्के के दोनों पहलू की बात की जाती है। साइंस में अभी फिलहाल कुछ साइंटिस्ट केवल उसके सकारात्मक पहलू की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा नकारात्मक क्या इम्पैक्ट होता है उसका भी डेटा कलेक्ट करना चाहिए, उस पर भी स्टडी करनी चाहिए। ये जी नंदिता जी, चलिए साइंस के नजरिए से ये कितना इम्पोर्टेंट है। और अब हम त्यागी जी से हमने जाना, नंदिता जी ने देखिए, नंदिता जी मुझे लग रहा है कि इस बार पहली बार आप कह रहे हैं कि हमें इसका सकारात्मक पहलू देखना चाहिए। जेपी सिंह हमारे साथ मौजूद नहीं हूँ बहुत बोलते हैं इस बार। जेपी सिंह जी, दोनों की चीज होते हैं जी। हाँ, पहले सूर्य ग्रहण, 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण, क्या इसका कनेक्शन बनता है? मैं ज्योतिष नजरिए से पूछ रहा हूं। देखिए, सर्वप्रथम सादर प्रणाम। और देखिए, यहाँ मैं जीएनटी के दर्शकों को एक चीज बताऊंगा कि हम लगातार चर्चा करते हैं और किसी ना किसी माध्यम से जीएनटी आपको ये नॉलेज देना चाहता है कि क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं। अब ज्योतिषीय नजरिए से अगर आप देखें तो सबसे पहली बात है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, जब विज्ञान एक बात कहता है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात है, होते रहते हैं, पर अगर आप एक चीज देखिए कि इसके प्रभाव से हम ज्योतिषी जो आकलन करते हैं वो हमारे सम्मुख हैं कि मन पर प्रभाव पड़ना, प्रकृति पर प्रभाव पड़ना और साथ में हमारे व्यापार और हमारे कारोबार पर जो प्रभाव पड़ता है वो इन ग्रहणों की देन होती है। अगर सबसे पहली बात चंद्रमा को ले लें तो चंद्रमा मन का कारक माना गया है, माता का कारक माना गया है और साथ में यहाँ व्यापारिक स्थिति में चलायमान स्थिति को मानता है, तो यहाँ पर इनका पूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। और ज्योतिषीय संदर्भ में सबसे बड़ी बात ये देख लें कि सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद चंद्र ग्रहण इतनी जल्दी आना, ये बहुत अच्छा नहीं सूतक माना जाएगा। लेकिन देखिए, लेकिन वही तो त्यागी जी बता रहे थे ना कि ये स्वाभाविक है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसके बाद चंद्र ग्रहण आता ही आता है। नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है, पर साथ में अगर आप देखें कि ये घटनाएं बहुत कम अंतराल पर जब होंगी और एक ही स्थिति में होंगी, जैसे एक ही माह में ये दोनों ग्रहण आ रहे हैं और खास तौर पे जैसे पहले तुला राशि पर प्रभाव आ रहा था, अब वृश्चिक राशि पर सर्वाधिक प्रभाव आ रहा है, तो यानी कि इसका गणन अगर हम गणना करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ चार राशियां सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। यहाँ कर्क राशि सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है, मिथुन राशि प्रभावित हो रही है और साथ में वृषभ राशि प्रभावित हो रही है। तो अब ऐसी स्थिति में ज्योतिषीय संदर्भ में जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूं कि यहाँ जो 15 दिन के अंदर जो ये दो ग्रहण आ रहे हैं, ये निश्चित तौर पर अपने जो है नकारात्मक प्रभाव ज्यादा रखेंगे, क्योंकि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो इस नेगेटिविटी को भी खत्म कैसे किया जाए, क्योंकि कहते हैं कि हर मर्ज का इलाज होता है, तो वो भी हम जानेंगे। संजय जी को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं साथ ही साथ। संजय जी, इस हमने जब सूर्य ग्रहण देखा था तो सूतक के नियम भारत पर लागू नहीं हुए थे क्योंकि वो भारत में था ही नहीं, ये भी क्या इसका भी वैसा ही रहेगा क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भी भारत में नहीं नजर आएगा? बिल्कुल, देखो चंद्र ग्रहण भी भारत में नहीं है क्योंकि पहली बात तो ये ग्रहण जो है इसको हम मलिन चंद्र ग्रहण कहते हैं या मालिन्य चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये जो ग्रहण है, कहते हैं कि जब सूर्य
और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो आप देखें कि उसकी जो डिग्री है, चंद्रमा की डिग्री देखें और केतु की डिग्री देखें, क्योंकि जो ग्रहण है चंद्र राहु और केतु से ही जो है ग्रहण बनता है, तो उनकी डिग्री में फर्क है। और वृश्चिक लग्न में ये ग्रहण है 8:45 पर जो है शुरू होगा रात्रि को 5 मई को और 1 बजे तक चलेगा। और ये पूरा ग्रहण जो है 4:15:39 का है, तो इसका जो दुष्प्रभाव है वो मानव के ऊपर जो है ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है एक प्रकार से आंशिक या उपछाया चंद्र ग्रहण है। जब उपछाया या मलिन या अनक्लीननेस छाया ग्रहण है ये, और इस ग्रहण को जो महत्व है यही है कि मानव जीव जंतु पशु पक्षियों पर इसका जो है दुष्प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा। और फिर भी क्या है, ग्रहण को ग्रहण की जो है संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ग्रहण का कहीं ना कहीं जब किसी ग्रह के साथ जब ग्रह मिलता है तो ग्रहण कहलाता है। जब चंद्रमा के साथ केतु या चंद्रमा के साथ राहु या राहु के साथ सूर्य, तो ये ग्रहण जो है चंद्र और सूर्य को ही ग्रहण लगता है। तो ये ग्रहण जो है इसका बहुत मानव जाति के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति तो आ रही है संसार में, परंतु बहुत ज्यादा खराब वाली स्थिति नहीं होगी। चलिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सूर्य ग्रहण का जिक्र कर रहे थे तब हमने देखा था कि भले ही भारत में नियम सूतक के लागू नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी क्योंकि सूर्य का प्रकाश पूरी धरती पर होता है, तो आप ही सब लोगों ने बताया था कि असर कुछ ना कुछ होगा। संजय जी, आप अब ये भी बता रहे हैं, लेकिन मैं इसी के जरिए समझना भी चाहूंगी, नंदिता जी आपसे भी आती हूँ आपके पास, कि चंद्र ग्रहण, क्योंकि चंद्र का भी असर पूरी पृथ्वी पर होता ही है, तो उसका क्या असर होगा। लेकिन उससे पहले त्यागी जी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि आपका कनेक्शन बीच में कट गया था। आ रही है? जी जी, हाँ, बिल्कुल। मैं यही कह रहा था कि सूर्य ग्रहण के बाद चंद्र ग्रहण अक्सर होता है, और ये जो चंद्र ग्रहण है इसमें तो हम कहें कि जो उपछाया, जैसा कि मेरे सभी साथी जो यहाँ बैठे हैं वो कह रहे हैं, और ऐसा नहीं ये इंडिया से दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि वो जो चंद्रमा को क्या जो एक्चुअल फेज है उसमें लगेगा एक बहुत पतला सा, जिसे आपने लाइट पेंट उसके ऊपर कर दिया है, तो नंगी आंखों से शायद उतना असर जो वो चेंज है वो हम नहीं देख पाए। लेकिन अगर उसको प्रॉपर इक्विपमेंट अगर हमारे पास है तो वो जो फर्क है चंद्रमा की रोशनी में वो देख सकते हैं। तो जहां तक रही ये असर की बात की नेगेटिव है पॉजिटिव है, देखिए ऐसा विज्ञान के नजरिए से ऐसा कुछ नहीं है। इस साल 4 ग्रहण होने वाले हैं, अक्टूबर में भी है सूर्य ग्रहण है जो आंशिक सूर्य ग्रहण है, और उसके फिर 15 दिन बाद हम देख रहे हैं कि पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होगा। तो साल भर अगर ऐसा चलता रहेगा तो हमारा तो कभी पॉजिटिव टाइम आएगा ही नहीं, हम साल भर बस क्या इसी चक्कर में पड़े रहेंगे। देखिए इस बात पर आज तो आप ये बात मानिए कि नंदिता जी भी आपके साथ मौजूद है और संजय जी भी, दोनों आपका साथ दे रहे हैं। इसका मतलब ये सोच के हम सब लोग घर बैठ बता रहे हैं जी, इसका मतलब तो ये कि हम सब जो है वो घर बैठ गए हैं। और संजय जी मैं लौट दूंगी एक मिनट, जरा क्या करिए अपनी बात पूरी कर ले। ग्रहण का प्रभाव जो है बहुत ज्यादा लंबे समय तक तो नहीं होता संजय जी, नेगेटिव होता है। ठीक है जी, त्यागी जी की बात देखिए, जो यही डिबेटेबल क्वेश्चन है कि आप कहते हैं नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, बट हमारे पास उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ज्योतिष जहां तक मैं समझता हूँ, विज्ञान की जो मेरी ट्रेनिंग है वो यही कहता है कि इसको मैं ज्ञान तो मान सकता हूँ, लेकिन अभी तक हमने इसको व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर पाए। जो भी डाटा है वो पूरा उस जो आपकी हाइपोथेसिस है जो आप बात कहते हैं उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि इस चीज में अगर आप इसको एक विज्ञान की श्रेणी में लाना चाहते हैं तो और रिसर्च करिए, इसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं है विज्ञान और इसमें। चंद्रग्रहण पड़ेगा, नंदिता जी जिस दिन चंद्रग्रहण पड़ेगा मैं आपको दो चीजें, एक तो नंदिता जी और त्यागी जी, आप तीनों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप तीनों लोग जूम पे हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप अपनी बारी पर बोलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो आपका ऑडियो ठीक से ना हम सुन पाएंगे ना दर्शक जो इस शो को देख रहे हैं। नंदिता जी अपनी बात रखिए। बिल्कुल, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आगे जी आपका मैं बड़ा सम्मान करती हूँ, लेकिन एक चीज है, साइंस को फंड्स मिलते हैं रिसर्च करने के लिए, उसके बावजूद आप लोगों ने कोई रिसर्च नहीं की इस मामले में कि क्या इसका वेवलेंथ का कुछ असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है जब भी इस तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। यू हैव नॉट डन दैट, सो यू हैव नो राइट टू से कि इसका असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में जो शास्त्र में हम करते हैं, हमने उसके अपने जो भी डाटा कलेक्ट किए वो हमने अपने बेसिस में अपने पैसे कट करके अपनी चीजों को अपना समय उसमें डाल करके किया हुआ है,
उस डाटा को आज की तारीख में मुझे ये पता है ये कौन सी ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी है जो उस चीज को एक्सेप्ट करेगी। आई विल कम एंड फॉरवर्ड एंड गिव द डेटा। मेरे पास आज का थोड़ा डेटा पड़ा है, मेरे पास सालों साल का दशकों का डेटा पड़ा हुआ है। तो ये कहना कि ये डेटा सही है नहीं सही है, आपने भी तो चेक नहीं किया। दूसरी बात, जो ग्रहण की बात हो रही थी, वो एक नॉर्मल चीज होती है कि दो ग्रहण लगभग साथ आते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 15 दिन के अवसर पे, ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। मून जब आपका राहु के साथ होता है तो तब ग्रहण पड़ जाता है, अगर वो स्थितियां वैसी बन रही हैं आपके राहु के नोडल पॉइंट पे, और केतु के साथ जब पड़ता है तो उस तरह से वो ग्रहण की स्थितियां बनती है, और ये अंतराल 15 दिन का रहता है। आप कभी भी ले, कभी कभी रेयर एक्सेप्शन होता है जो एक तीसरा ग्रहण भी पड़ जाता है और उस समय और ज्यादा विघ्न आते हैं। और दूसरी चीज जो ये उपचाया है, उपचाया में मतलब कि एक ब्लर्ड विजन चंद्रमा पे रहता है तो उसका उतना असर रहता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ग्रहण नहीं है, ग्रहण की अगर आप नियम पालन करना चाहते हैं इस वाले ग्रहण में आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि उपचाया है तो इसका कोई ऐसी इसमें हमारे शास्त्र कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल ग्रहण से डरे। हाँ, लेकिन जेपी सिंह जी ये भी बताइए कि क्योंकि जब हम संजय जी बस इसके बाद आपके पास आती हूँ, मुझे ये भी बताइए कि इसका असर क्या होगा नहीं होगा, खासतौर पर क्योंकि भारत में तो इस चीज को बहुत मानते हैं, इसको पूरा ज्योतिष नजरिए से हम लोग देखते हैं, एक बहुत बड़ी घटना के तौर पर इसको देखा जाता है। अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में आपसे जानना चाहूं तो असर होगा नहीं होगा और लोगों को किन चीजों को फॉलो करना होगा? देखिए, इन शॉर्ट मैं आपको एक चीज कह दूं, हम ये बात अगर इसको थोड़ा सा जो अभी कंफ्लिक्ट चल रहा है कि साइंस इसको नहीं मानता है और हम ये कहते हैं ग्रहण का प्रभाव रहता है, देखिए साइंस को रिसर्च करने की जरूरत है, नासा को विश्वास नहीं। ये तो एक नेवर एंडिंग बहस है, नहीं, इसको जब हम साइंस और ज्योतिष दोनों को साथ बिठाएंगे तो चर्चा कहीं और चली जाती है। ठीक है, वही बात कह रही हूँ कि जब हम आप लोग साथ बैठेंगे तो बहस कहीं और चली जाएगी। मुद्दा मेरा सवाल जेपी सिंह जी ये है कि भारत के परिप्रेक्ष्य जब हम इसको देखते हैं तो कितना असर होगा, लोगों को क्या करना है? ठीक है, देखिए सबसे पहली बात अगर भारत के परिवेश में देखें तो सबसे पहली बात चंद्रमा का प्रभाव हमारे पे, हम मान रहे हैं कि ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, पर खगोलीय घटना है, कहीं तो ग्रहण लग रहा है और कहीं पर उसका प्रभाव यूनिवर्स में है और वो प्रभाव जरूर पड़ता है मन मस्तिष्क पर। और जहां तक हमारा ताल्लुक है खासतौर पर भारत का, तो भारत वृषभ लग्न की पत्रिका है तो यहां निश्चित तौर पर पूर्ण प्रभाव रहेगा, मन मस्तिष्क पर प्रभाव रहेगा, विचारों पर प्रभाव देगा और इस विचार शक्ति को इसमें अगले 15 दिन में आप देखेंगे कि ये मतभेद उत्पन्न करने की स्थितियां बहुत ज्यादा। देश दुनिया में कितना असर होगा? देश दुनिया में खास तौर पे भारत की बात करें तो भारत में जो हमने पहले कहा सूर्य ग्रहण का प्रभाव राजनीतिक रूप से देखने को मिलेगा तो राजनीतिक मतभेद बढ़ जाएंगे और इस मतभेद के कारण यहां जो है स्थितियां बिगड़ेंगी। और बिगड़ने का मतलब ये नहीं है कि ये तो चलता रहता है साहब, कई बार ज्योतिष का खंडन करते वक्त हम ये बोल देते हैं, ऐसा नहीं है, चलता नहीं रहता, इस बार थोड़ा आपको अधिक देखने को मिलेगा, यहाँ सामाजिक तनाव बढ़ेगा। हम मान के चले कि 40 दिन रहेगी, क्योंकि जैसे संजय जी कह रहे थे हम बात हर बार यही करते हैं, क्यों संजय जी, कि कोई भी ग्रहण हो 1.25 महीने तक उसका असर ज्यादा नजर आता है। संजय जी देखो, सूर्य ग्रहण का प्रभाव जो है, जब सूर्य एक राशि में 1 महीने तक रहता है तो उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, और चंद्रमा जब 2.25 दिन पहले जो 2.25 दिन होते हैं जिस राशि में ग्रहण पड़ता है उस राशि वाले जातक के ऊपर प्रभाव रहता है। जब आप देखें कि ग्रहण होता है, आप देखें महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आपका माइंड ऐसा लगता है कि बिल्कुल सुन्न हो गया, कोई काम नहीं कर रहा, और जब जिस वक्त ग्रहण आता है इस वक्त जो तुला राशि के व्यक्तियों के ऊपर रिसर्च की जा सकती है, जिनकी तुला राशि है, वृश्चिक राशि है, कर्क राशि है, इन लोगों को आप पूछें और एक सवाल करें इन लोगों से कि ग्रहण का दिन आपके लिए कैसा बीता 1 दिन पहले और 1 दिन बाद, उससे आपको अनुमान हो जाएगा कि ग्रहण का प्रभाव कितना होता है उनके मन और मस्तिष्क के ऊपर, उसका प्रभाव होता ही होता है। और कहते हैं भगवान शिव के मस्तिष्क पे जो है चंद्रमा विराजमान है और हमारे मन की स्थिति जो है वो चंद्रमा का कारक है, सूर्य आत्मा है, चंद्रमा हमारा मन का कारक है और जल का कारक है। आप देखें जब भी पूर्णिमा या अमावस्या होती है, आप ज्वार भाटा जो पूर्णमासी के दिन बढ़ता है और घटता है, कारण क्या है, साइंटिफिक कारण ही है। और नदियों का पानी भी आप देख सकते हैं किस लय में जो है बह रहा है, और हवा कहते हैं कि पूर्व और पश्चिम की जो हवा बहती है वो भी हमारे ग्रहण के प्रभाव से आप देखें। बिल्कुल संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे पास, मैं एक बार नंदिता जी आपसे आपके पास आना चाहूंगी। आप पूरी दुनिया पर इसका कितना असर होगा अगर हम देखें, चाहे वो हम राजनीतिक रूप से देखें या फिर प्राकृतिक आपदाओं के हिसाब से अगर देखें, क्योंकि इसका कनेक्शन भी कहा जाता है कि ग्रहण से बहुत ज्यादा जुड़ा होता है। जी हाँ, बिल्कुल ग्रहण से असर तो पड़ता है, बिकॉज चंद्रमा मनसो जाता,
तो यानी कि चंद्रमा मन का कारक है और जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है मानसिक अवस्थाएं ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। एक मास अपीगल आप जैसे सुदान में देखें अभी इस समय ये जो एकदम से चेंजेस हो रहे हैं, एक्सोडस हो रहा है, लोगों का वहां से निकाले जा रहे हैं, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द कारक जो कि ग्रहण का, क्योंकि इस समय अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी ग्रहण के असर में आ रहा है, ये मूनर ल्यूनर एक्लिप्स के असर में आ रहा है। जब भी ग्रहण पड़ते हैं इस तरह की आपदाएं जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाती हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम होता है अर्थ का वो भी हिल जाता है। दूसरी चीज जो होती है आपके इस समय जो है बुध जो है आपका रेट्रोगेट भी है और कंबस्ट भी है, और बुध का रेट्रोगेट और कंबस्ट होने का मतलब हो गया कि आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड, सैटेलाइट से रिलेटेड, बातचीत के जरिए, आपके कंप्यूटर्स के चीजें, ट्रैवल से रिलेटेड चीजों में बहुत एकदम से तकलीफें, शेयर मार्केट हो गए, आपके स्टॉक मार्केट हो गए, इनमें बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, ये सारे एरियाज बहुत डीपली कंसर्न एरियाज हैं जहां पे सुनामी की तरह बहुत ज्यादा परेशानियां आ सकती हैं। ये भी आ सकते हैं। 5 से 6 मई तक का गुरु गंडांत है। गुरु गंडांत का मतलब बहुत ज्यादा एक रेस्टलेस सिचुएशन भी बनाता है। ये सब बात हम कर रहे हैं कि पहले चंद्र सूर्य ग्रहण और उसके ठीक 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण, क्या कनेक्शन है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जेबी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि त्यागी जी जो अपनी बात रख रहे हैं वो एक वैज्ञानिक नजरिए से रख रहे हैं, लेकिन ज्योतिष भी तो एक विज्ञान है, दोनों ही विज्ञान है, नजरिया दोनों का अलग अलग है। देखिए, सबसे पहली बात, बींग एस्ट्रोमेडिकल, मैं एक चीज जानता हूं कि विज्ञान जो बात कहता है ये हम हजारों साल पहले कह चुके हैं। विज्ञान आज उसकी खोज करके, रिसर्च करके लेके आ रहा है। आज विज्ञान को आवश्यकता है ज्योतिष पर रिसर्च करने की, ज्योतिष को रिसर्च करने की जरूरत करनी है कि वो उनको दे। नासा को इतराज था कि भाई चंद्र यहां पर राम सेतु है या नहीं हम नहीं जानते, आपकी आस्था है। आज नासा रिसर्च कर रहा है और उसने पता लगाया कि हाँ राम सेतु था, राम जी थे। तो उसी तरह से हम भी अगर आपसे ये कह रहे हैं कि चंद्रमा का प्रभाव है, चंद्रमा हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव देता है, हमारे जलीय तत्व का प्रभाव देता है, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% पानी है, तो उस पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा का है, हमारे मन मस्तिष्क के साथ में हमारी विचार शक्ति। देखिए, इस समय में जैसे अभी मेरे भाई संजय जी ने कहा कि आप देखिए तुला राशि पर रिसर्च करके देखिए, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने और ये बात बिल्कुल सटीक है कि आपको अगर रिसर्च करनी है, हमें नहीं करनी, हमें तो मालूम है। हाँ। आपको रिसर्च करनी है तो आप करके देखिए कि इस समय सबसे ज्यादा सेपरेशन होंगे। इस समय में खासतौर पे 15 दिनों के अंदर सर्वाधिक प्रभाव होते हैं कि मानसिक प्रताड़ना बढ़ती है, विवाद बढ़ते हैं, बहस बढ़ती है। हाँ। तो यहाँ कंट्रोल करने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि आप डर के बैठ जाइए, इन चीजों को जानकर अगर आप इन्हें कंट्रोल कर लेंगे तो आगे। सहमत हैं आप जेपी जी से? देखिए पूरा दुनिया इतना डायनेमिक है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता रहता है। मैं नंदिता जी की बात पे कहना चाहूंगा, इन्होंने सूडान का जिक्र किया, सूडान में कितने दिनों से सिविल वार चल रहा है। अब आपने जो आपको सूट कर रहा है वो डाटा उठा लिया, वो फैक्ट उठा लिया और अपनी एक थ्योरी को आप जो है एक मीनिंग देना चाह रहे हैं। तो ये जो ज्योतिष की जो बात कर रहे हैं, मैं फॉर या अगेंस्ट में नहीं हूँ। साइंस का अपना एक तरीका है, प्रिसीजन है, एक्यूरेसी है, उसमें बहुत ज्यादा स्क्रूटनी होती है और अगर उसमें लगता है कि किस कहीं पे आपका पॉइंट बात जो है वो सही सिद्ध नहीं हो रही है तो उसमें एक गेटवे रहता है कि ओपन, कि अगर कुछ नया फैक्ट आएगा तो हम नई बात को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो जड़ता है बात उसी की हो रही है कि आप वो कह रहे हैं कि आप साइंस को अगर रिसर्च करनी है तो। पर त्यागी जी, आप ये बात मानते हैं कि आप भी वैज्ञानिक हैं और ये भी ज्योतिष विज्ञान ही है, आप इस बात को मानते हैं? मैडम 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 प्लीज, यू आर इंसल्टिंग साइंस। अगर साइंस विज्ञान में, नहीं सर, मैं तो सवाल कर रही हूँ, आप सीधा इसको मना कर सकते कि आप ये बात नहीं मानते। नंदिता जी, ज्योतिष में आपको मैं बता दूं आप मेरी विद्या को इंसल्ट कर रहे हैं यहाँ पे ऑन एयर। आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे। एक सेकंड, सिर्फ एक सवाल है, आप सहमत नहीं है तो आप कह सकते हैं कि आप सहमत नहीं है। उसका जवाब मैं नंदिता जी से ले लेती हूँ। आप संजय जी लौटती हुई अधूरी बात होगी। नहीं, साइंस जो है जहां तक पंचांग है वो पूरा साइंटिफिक है क्योंकि वो आपको प्लेनेटरी पोजीशन आपका बता रहा है, लेकिन उसमें उसका असर ये होगा जो फलित ज्योतिष है वो विज्ञान नहीं है। विज्ञान का यहाँ पे आके उसके साथ जो है टकराव होता है। ठीक है सर, नंदिता जी अपनी बात रख लीजिए।
जी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशंस दैट यू डू इन फिजिकल एस्ट्रोनॉमी. ओके, सो वो एक बेसिस आपकी रहती है त्यागी जी, तो वो वही सेम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी आते हैं जब फलित ज्योतिष की बात की जाती है. इट्स अ गाइडिंग साइंस, इट्स नॉट अ प्रिडिक्टिव साइंस, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट. दूसरी चीज, सूडान की आपने बात की, सूडान में परेशानियां सिविल वॉर पहले से, एक्सोडस कब से हो रहा है? पिछले 15 दिनों से. पिछले 15 दिनों से ही एक्सोडस हो रहा है, वो भी ग्रहण के आसपास, क्योंकि मानसिक चिंताएं इतनी ज्यादा बढ़ी. मैं आपको ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मैं तो आपको और एग्जांपल दे रही हूँ आपके रशिया यूक्रेन वॉर की. एक साल पहले बोली थी कोविड का, किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं बोला साल में, आपने साल में सात ग्रहण हो सकते हैं, के भी क्षमता रखी आपने, तो बोला तो मतलब सर आपने बोला तो आप सुनने की भी क्षमता रखी पहले ज्योतिष की. आप सर उनकी भी बात सुन लीजिए, वो भी अपनी रिसर्च के हिसाब से आपको तर्क बता रही है. दोनों की बात हम सुन लेते हैं जी. आप संजय जी एक मिनट बस, नंदिता जी के बाद आपके पास. कोविड के बारे में कोई भी साइंटिस्ट इस चीज के बारे में बोल नहीं पाया था, किसी ने भी उसके बाद जब आया तब भी नहीं बोल पाया पैंडेमिक. कोविड होने से पहले आप मेरा ब्लॉग चेक करिए, एक साल पहले जब हमारा नव वर्ष की जो गणना होती है उसमें मैंने कहा था कि नेक्स्ट ईयर 2020 में महामारी आएगी, मतलब मास इलनेस होगी. ऑब्वियसली कोविड नाम नहीं दिया था लेकिन एक इंडिकेशन आ रहा था मास इलनेस का. और जब शुरुआत हुई कोविड की, मेरे मार्च के आप वीडियो देखिए 2020 के, तभी मैंने कहा था ये अभी खत्म नहीं होगा, चाहे वो साइंटिस्ट बोल रहे हैं अभी खत्म हो जाएगा या बाकी और कोई बोल रहा है, मैंने कहा था ये कम से कम 2 से 3 साल चलेगा और ये 2023 के जनवरी तक का बहुत ज्यादा मैसेज आएगा, फिर भी नॉक करेगा. एग्जैक्टली वैसा हुआ. दिस हैज बीन डन इन 2019 एंड 2020 फॉर कोविड एक्चुअली एक्सप्लोडेड एंड बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन. ये कोई अपने मनगणत की वो नहीं कही गई थी, संजय जी ये बिल्कुल प्लैनेटरी प्रोडिक्शन के साथ. नंदिता जी लौटती हूँ आपके पास. संजय जी अपनी बात रखिए. जी मैं आज जीएनटी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ त्यागी जी को कि आपके लिए भी रिसर्च का एक सब्जेक्ट हो जाएगा. और मैं आज आपको 5 तारीख से पहले ही बताने जा रहा हूँ कि 5 तारीख को जिन भी शहरों के इंसानों के आर और टी नाम से अक्षर से जो कंट्रीज होंगे, प्रदेश होंगे, शहर होंगे, उनमें क्या क्या चीजें होती हैं, आप उस पर रिसर्च करना तो आपको मालूम चल जाएगा कि भाई ज्योतिष कितना सत्य पे जा रहा है. और कॉम्बिनेशन बहुत बड़ी बात आपने कह दी, आर और टी नाम के शख्स और आर और टी नाम के देशों का जिक्र आप कर रहे हैं. बिल्कुल, ये मैंने नोट कर लिया वैसे. और आप रिसर्च करें इसके ऊपर, आपको बिल्कुल मालूम चलेगा और आपको भी जैसे एक अनुभव होगा कि वाकई में जो ज्योतिष में जो प्रिडिक्शन की जाती है वो कितनी सत्यता पे जाती है. जो इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीता आप देखें कि मंगल उस वक्त जो वृषभ राशि में था, तो स्थिति जो ग्रहों की स्थिति है उसका बड़ा मानव जीवन के ऊपर इफेक्ट जरूर पड़ता है. और ये एक रिसर्च का सब्जेक्ट है और हम आपके साथ बैठ के आपको भी कुछ बताएंगे और हम आपसे कुछ सीखेंगे भी. बिल्कुल बिल्कुल जेपी जी. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू, मैं लौटती हूं एक मिनट. साइंटिस्ट ने एंटार्क्टिका में बहुत रिसर्च किया, मेजर फंड्स गोज देयर टू वेदर साइंटिस्ट एंड ऑल द साइंटिस्ट. कोई उस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर पाया कि एंटार्क्टिका का 1/3 चंक बिल्कुल स्प्लिट होकर के अलग होगा. उस चंक के स्प्लिट होने से ऑलमोस्ट एक साल पहले ग्रहण के मार्ग का स्टडी करते हुए ये बोलते आ रही थी कि यहाँ पे एंटार्क्टिका में कष्ट आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी. नो वन वॉज रेडी टू लिसन. और आपकी की तरफ कुछ साइंटिस्ट बैठे भी थे मेरे साथ प्रोग्राम में और हंस रहे थे इस बात को लेकर के कि अरे ये आप क्या बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, साइंस इस चीज को नहीं मानता. त्यागी जी अभी रिएक्शन दे दीजिए. और अभी भी मैं बोल रही हूँ सूडान के बाद एक एंटार्क्टिका, कोविड, बहुत सारे एग्जांपल्स नंदिता जी ने दिए हैं. इसके पास मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है और बिना फैक्ट के मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा. प्रॉब्लम्स आएंगे कि मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ कि हम साइंटिस्टों को छोड़ के आप सबको बिठा देते हैं और सारी जो प्रॉब्लम है वो आप प्रिडिक्ट करिए और सॉल्व करिए. ठीक है ना, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि ये बहुत डोमिनेटिंग एरिया होता. ठीक है ना, साइंस का बेसिक होता है. मुझे लगता है कि ये आर्गुमेंट अननोन, क्योंकि इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इवेंट होने के बाद उसको हम एस्ट्रोलॉजिकली कहीं ना कहीं जोड़ देते हैं. सर सारे प्रेडिक्शन इवेंट से पहले 50 चीजें आपने कही, क्योंकि उसमें कुछ एक्यूरेसी नहीं होती है. साइंस का मतलब एक्यूरेसी प्रिसीजन है. आप इतना उसको डिटेल में इधर भी हो सकते हैं. राशियों के प्रभाव आप जिस तरीके से बताते हैं ये होगा वो होगा, उसमें कुछ प्रिसीजन है क्या? That science is definite. No, I'm a subjective based student. Madam Sara, then, everything sir, whatever you are giving is a subjective thing. Talks about no, it. There is no objectivity. Nothing. Sorry, sir.
ठीक है त्यागी जी, नंदिता जी मैं आपको रोकना चाहूंगी। जेपी जी, जेपी जी, जी जी, देखिए त्यागी जी का अपना तर्क है, नंदिता जी अपनी बात कह रही हैं, वो कह रहे हैं कि हम, वो हमारी रिसर्च है, वो हमारी बहस, यहाँ पर ये नहीं है कि साइंस ऊपर है या ज्योतिष ऊपर है, यहाँ पर इस शो को करने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगी अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें, क्योंकि सूतक सूर्य ग्रहण के समय भी लागू नहीं हुआ था, क्योंकि इस सवाल का जवाब अभी तक आया नहीं है, किसी ने बताया नहीं है, और चंद्र ग्रहण क्योंकि भारत में नजर नहीं आ रहा है, तो भारतवासियों के लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट घटना होगी और इसका क्या कोई कनेक्शन बनता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का ज्योतिष नजरिए से? ज्योतिषी नजरिए से सबसे पहली बात, जो आप सूतक की बात कर रहे हैं, भारतवर्ष में निश्चित तौर पर सूतक नहीं है और सूतक के जितने नियम है वो मान्य नहीं होंगे, पर जहां ग्रहण की स्थिति में गर्भवती स्त्रियों को जो नियम पालन करने चाहिए वो करने ही चाहिए। कारण क्या है, मैं बार बार एक बात कहता हूं, खगोलीय घटना तो है, कहीं तो ग्रहण हो रहा है, हम हमारी पृथ्वी के साथ में कहीं उसका लेना देना है कि एक भाग पे नहीं दिख रहा, दूसरे भाग पे तो दिख रहा है, हम ऑस्ट्रेलिया में देख पा रहे हैं, इंडिया में नहीं देख पा रहे। तो मैं इसी का एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं कि एक परमाणु बम कहीं यूरोप में कहीं या रशिया में कहीं गिर रहा है तो क्या भारतवर्ष पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? साइंस की दृष्टि से भी तो वैसे ही यहां पर प्रभाव आएगा। दूसरी बात, खास तौर पे भारत के परिवेश में इसका खास तौर पे जो मन मस्तिष्क पे, मैं बार बार आपको जोर देके कह रहा हूं कि प्रभाव आएगा, स्वास्थ्य पे प्रभाव आएगा, उसका हमें ध्यान देना चाहिए और नियम अनुसार खास तौर पे इस ग्रहण काल में खान पान से बचना चाहिए, क्योंकि रेडिएशन हर जगह पहुंच सकती है वो देश, तो इसका मतलब तो खान पान वाला नियम वही लागू होता है जो हम हमेशा किसी भी ग्रहण में बिल्कुल बिल्कुल तमाम नियमों का पालन करते, बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए ग्रहण काल में ना ही खाया जाए। देखिए बाकी आप पाठ पूजा करते हैं नहीं करते हैं, तीर्थ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या जप कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट कोई चीजें आप जो अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड करने वाली चीजें खान पान, तो वो अगर वो आप कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत उसका ख्याल रखा जा सकता है। बिल्कुल संजय जी क्या करें इस दिन? संजय जी देखो एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, पूरा ब्रह्मांड ना एक ही है, आप देखो पृथ्वी गोल है और इस पृथ्वी के अंदर हर मानव जीव जंतु पशु पक्षी हम सब रहते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड जब एक है, हम एक पिंड के अंदर रह रहे हैं, तो चाहे उसमें देश चाहे अलग अलग हो सकते हैं, प्रकृति अलग अलग हो सकती है, नेचर अलग अलग हो सकता है, परंतु विश्व में चंद्रमा तो एक ही दिखाई दे रहा है, तो उस चंद्र का जो प्रभाव जरूर पड़ेगा, थोड़ा बहुत जरूर पड़ता है, चाहे प्रदेश चाहे कोई भी हो, चाहे स्टेट कोई भी हो, कंट्री कोई भी हो, असर अवश्य पड़ता है ब्रह्मांड में, क्योंकि आप एक लोक में रह रहे हैं एक तरीके से, और वो एक लोक है, पूरा लोक है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, सब जीव जंतु पशु पक्षी, यानी असर होगा, भले ही सूतक भारत पर नहीं लगे लेकिन कुछ नियमों का पालन है जो आपको करना चाहिए, और सबसे जरूरी है अपने खान पान का खास ख्याल रखना। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ आए चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।